अस्सलाम वालेकुम आल। पेन ईयर से मुतल्लिक ये हमारा सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में आप लोगों ने सीखा था कि पेन ईयर में आप लोग एक वेरीफाइड अकाउंट कैसे बना सकते हैं, जबकि इस लेक्चर में आप लोग सीखेंगे कि आपने अपने क्लाइंट को पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट कैसे सेंड करनी है। सो इसका मेथड देखते हैं। सो सबसे पहले हम लोग पेन ईयर के अंदर साइन इन करेंगे। यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है तो ये स्क्रीन आप लोगों के सामने आ जाएगी। तो पेमेंट रिसीव करने के लिए आप लोग जाएंगे रिसीव के अंदर, यहाँ पे रिक्वेस्ट अ पेमेंट, इसके ऊपर क्लिक करना है। चूंकि ये हमारी पहली पेमेंट की रिक्वेस्ट है तो ये फर्स्ट टाइम के लिए हमें ये दो चीज़ें प्रोवाइड करना पड़ेंगी इसको, एक बिज़नेस प्रोफाइल और दूसरा गवर्नमेंट इशू फ़ोटो आईडी। यहाँ पे हम लोग सबमिट करेंगे अपनी गवर्नमेंट इशू फ़ोटो आईडी। चूँकि पाकिस्तानी नेशनल हैं तो यहाँ पे उसने पाकिस्तान को दे दिया है। अगर फ़र्ज करें आप पाकिस्तानी नेशनल हैं लेकिन किसी और कंट्री में गए हुए हैं तो आप लोग यहाँ पे अपना पासपोर्ट भी दे सकते हैं। अगर आप पाकिस्तानी नेशनल ही हैं तो यहाँ पे हम लोग नेशनल आईडी ही देंगे। यहाँ पे वो कह रहा है जी 20 MB तक की आप अपनी पिक्चर अपलोड करें और उसका जो स्पोर्टेड टाइप है वो JPG, PNG, GIF, TIFF या PDF में होनी चाहिए। उसको आप लोग ड्रैग करके भी कर सकते हैं या इसको आप लोग ब्राउज़ के बटन के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से इसको किया जा सकता है। इसकी बैक साइड से और आप इसको सबमिट कर देंगे तो फ्रंट और बैक दोनों से हम लोगों ने उसको सेंड कर दिया। अब जाते हैं जी बिज़नेस प्रोफाइल के ऊपर। यहाँ पे कह रहा है जी आंसर अ फ्यू क्वेश्चन अबाउट योर बिज़नेस, सेलेक्ट द कैटेगरी। तो कैटेगरी जो है उसको हम लोग देंगे। फ़र्ज़ करें हमारा है प्रोग्रामिंग एंड टेक सपोर्ट। नेक्स्ट वो कह रहा है जी सेलेक्ट द कैटेगरी दैट बेस्ट डिस्क्राइब द सर्विस यू प्रोवाइड। तो यहाँ पर लिस्ट है पूरी। फ़र्ज़ करें हमारी वेब बैन मोबाइल ऐप्स हैं, किस नेम से हैं इसको हम लोग यहाँ पे दे देंगे। यहाँ पे अपने सर्विसेज के बारे में, बिज़नेस के बारे में बताएंगे कि किस तरह से आप इसको ऑपरेट करते हैं। तो फ़र्ज़ करें आप अपने क्लाइंट के साथ कैसे चलते हैं, ये चीज़ यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया वी प्रोवाइड आवर सर्विसेज ऑन आवरली बेसिस। नेक्स्ट वो कह रहा है जी अगर आपकी वेबसाइट है तो यहाँ पे उसको दें या सोशल मीडिया के ऊपर कोई अकाउंट है उसका URL यहाँ पे दे दें। और सेकंडली वो कह रहा है जी वेबसाइट आपकी जो है वो ऑफलाइन नहीं होनी चाहिए या अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। आप लोग अपनी फेसबुक का पेज दे सकते हैं या अपने बिज़नेस की वेबसाइट का एड्रेस यहाँ पर दे सकते हैं। फर्ज करें यहाँ पे मैं दे देता हूँ। वो कह रहा है जी जो वेबसाइट है आपने प्रोवाइड की है इसको कौन ऑन करता है, आप खुद करते हैं या इसको को ऑन करते हैं या इसको सिर्फ आप ऑपरेटर हैं या अदर्स। नेक्स्ट पूछ रहा है जी डू यू हैव एन एडिशनल वेबसाइट, आपके पास एक्स्ट्रा कोई वेबसाइट है। यहाँ पे नो कर देंगे और इसको सबमिट कर देते हैं। उसके बाद हमें वो रिक्वेस्ट ऑफ पेमेंट पेज के ऊपर ले आया। फ़र्ज करें वो कोई इंडिविजुअल है तो यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और कंट्री सिर्फ देंगे। अगर वो कोई कंपनी रन कर रहे हैं तो कंपनी का नेम देंगे, उसके वेबसाइट का एड्रेस देंगे, उसके कॉन्टैक्ट का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और कंट्री वगैरह ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो लेट्स सपोज हम लोग इंडिविजुअल से पेमेंट मंगवा रहे तो यहाँ पे फ़र्ज़ करें उसका नेम है जॉन स्मिथ और यहाँ पे उसका ईमेल एड्रेस आ जाएगा। मैंने फ़िलहाल यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दे दिया। यह आपके क्लाइंट का ईमेल एड्रेस होना चाहिए। तो कंट्री जिससे वो बिलोंग करता है वो आप लोगों ने यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है।
फर्ज करें हम लोग श्रीलंका को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको नेक्स्ट के ऊपर प्रोसीड कर देंगे। अब हम लोग पेमेंट की डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। सो अमाउंट कितनी है इन US डॉलर्स, लेट्स सपोज हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं $100 और करेंसी US डॉलर्स हैं। डिस्क्रिप्शन इसकी लिख देंगे, योर पेयर विल सी दी डिस्क्रिप्शन ऑन दी पेमेंट रिक्वेस्ट। और यहाँ पे हम लोग पेमेंट की ड्यू डेट देंगे। ड्यू डेट से मुराद ये है कि उस डेट तक आपका क्लाइंट आपको हर सूरत पेमेंट डिपॉजिट करवा दे। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, कैलेंडर आ चुका है। फर्ज करें आज 16th of March है तो हम 20 को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको ओके करेंगे। और रिक्वेस्ट कौन जनरेट कर रहा है, यहाँ पे हमारा नाम आ चुका है, इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे हैं जी अटैच डॉक्यूमेंट। अटैच डॉक्यूमेंट्स बेसिकली ऐसा कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है जैसे कोई आप लोगों ने इनवाइस बनाई हो, आपकी जो प्रोफेशनल इनवाइस है, या आपका कोई एग्रीमेंट जो आपके और आपके क्लाइंट के दरमियान हुआ है, तो उसकी अगर आपके पास कॉपी पड़ी हुई है तो उसको एज पिक्चर आप लोग यहाँ पर ड्रैग करवा सकते हैं या ब्राउज़ करवा के यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। और ये मैक्सिमम 10 MB तक हो सकती है। और नेक्स्ट हम लोग प्रीव्यू भी कर सकते हैं और या इसको रिक्वेस्ट पेमेंट। प्रीव्यू इसलिए करना ज़रूरी है कि अगर कोई चीज़ रह गई है तो आप लोग उसको प्रीव्यू कर सकते हैं, अदरवाइज़ रिक्वेस्ट को सेंड कर देंगे। ओके, हम लोगों ने रिक्वेस्ट को सबमिट कर दिया, जो हमारे क्लाइंट हैं उनकी ईमेल में उनको रिसीव हो जाएगी। इसके अलावा आप अपने क्लाइंट के साथ व्हाट्सएप के ऊपर या स्काइप के ऊपर या फेसबुक मैसेंजर के ऊपर या आप एक इसका लिंक क्रिएट करके उसको सेंड कर सकते हैं। तो इसका जो रिक्वेस्ट है इसका लिंक जो है वो उसके साथ शेयर हो जाएगा, यानी व्हाट्सएप के ऊपर या स्काइप के ऊपर या मैसेंजर के ऊपर। इसके अलावा है कि अगर हमने अपने अकाउंट से पेनियर अकाउंट से किसी को पेमेंट भेजनी हो तो मेक अ पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे 3 तरह की कैटेगरीज हैं कि हमने जो पेमेंट सेंड करनी है क्या वो पेनियर अकाउंट होल्डर है, या हमने जिसको पेमेंट भेजनी है उसका बैंक अकाउंट है तो हमें वो देना पड़ेगा, या हमने अमेज़ॉन सर्विसेज के ऊपर पेमेंट भिजवानी है। तो फ़र्ज़ करें अगर हमारा क्लाइंट जो है उसका अपना पेनियर अकाउंट है तो हम लोग इसको प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे 3 चीज़ें आ गई हैं जी। यहाँ पे पहली चीज़ है कि आप लोग मार्केट प्लेस के साथ कनेक्ट हो जाएं। मार्केट प्लेस से मुराद यहाँ पे ये है कि जैसे अपवर्क है या हमारे पास फाइवर है या दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं तो उनके साथ आप लोग लिंक अप हो सकते हैं। दूसरा ये है कि आप लोग रिक्वेस्ट भिजवा सकते हैं पेमेंट के लिए। और तीसरा ये है कि एक्सेस माई अकाउंट, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो अप्रूव्ड अकाउंट्स हैं वो USA का है और UK का है, जो पेनियर की तरफ से हमें प्रोवाइड किया गया। हमने USA के अकाउंट से भिजवानी पेमेंट तो इसको सिलेक्ट करेंगे, UK से भिजवानी तो इसको सिलेक्ट करेंगे। और इसी तरह अगर आप लोगों ने पेमेंट को विड्रॉ करवाना है तो यहाँ पे आएंगे और टू बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ से हम लोग बैलेंस को सिलेक्ट कर सकते हैं कि बैलेंस जो है वो US डॉलर्स में करना है, यूरो में करना है या ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स के अंदर करना है। तो फ़र्ज़ करें हम US डॉलर्स में कर लेते हैं। और यहाँ पे बैंक की डिटेल आ चुकी है तो वो कह रहा है जी अमाउंट अवेलेबल फॉर विड्रॉल इज़ लेस देन अलाउड मिनिमम। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो रकम देंगे और यहाँ पे उसको अमाउंट टू डिपॉज़िट PKR, यानी US डॉलर से हमारे अकाउंट में वो PKR पाकिस्तानी करेंसी में आएगी। और उसके बाद आप लोग यहाँ पे कोई ऑप्शनल डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं किया जा सकता है। तो इस तरह से आपकी अमाउंट जो है वो विड्रॉ होके आपके लोकल बैंक के अंदर आ जाएगी।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए।